हिंदी पाठमाला कक्षा 5 की बुक देख रही हूँ। इसमें हम आज पाठ पढ़ेंगे, पाठ 11, बुद्धि का चमत्कार। बेटा ये एक नाटक है ना। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक सलाहकार थे, पंडित तेनालीराम, जिसके सिर पर एक चोटी थी जिसमें वे काल्पनिक तौर पर बातें भी करते थे। काल्पनिक मतलब मन में, ठीक है बेटा। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमानी के कारण ही लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, ईर्ष्या तथा उन्हें पराजित करने के तरीके ढूंढते रहते थे। ये किस जगह का दृश्य दिखाया बेटा? कृष्णदेव राय के दरबार का, और उनके जो सलाहकार, विशेष सलाहकार थे तेनालीराम, है ना, और उनसे सब चिढ़ते थे और उनको पराजित करने के तरीके ढूंढते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बादशाह अकबरुद्दीन ने अपने दूत के हाथ संदेश भेजा। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अकबरुद्दीन ने अपना एक दूत मतलब एक संदेशवाहक, उसको भेजा, दूत को भेजा, है ना। वो दूत बोलता है, महाराज की जय हो, हमारे बादशाह अकबरुद्दीन का मानना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अतः उन्होंने एक घड़ा भरकर बुद्धि मंगाई है। तो पुरोहित कौन है भाई? वहाँ पे एक पुरोहित हैं, उन्होंने बोला, क्या बुद्धि भरकर घड़ा? ऐसा संभव नहीं महाराज, है ना। दरबार के सभी लोग पुरोहित के पक्ष में बोलते हैं। तो कृष्णदेव मतलब जो राजा है वो बोलते हैं, यदि हम बुद्धि भरकर घड़ा नहीं देंगे तो हमारे विजयनगर का अपमान होगा, ठीक है। फिर चोटी किसको बोलता है? रामा को। रामा चुप, क्यों बैठा है? अपनी बुद्धि में से थोड़ी बुद्धि इन्हें भी दे दें। वो काल्पनिक उससे बात करते हैं चोटी, है ना, किससे? रामा से। फिर तेनालीरामा बोलते, महाराज मैं दे सकता हूँ बुद्धि भरकर घड़ा, लेकिन आज नहीं, 2-3 महीने बाद, ठीक है। फिर कृष्णदेव मतलब राजा जी बोलते हैं, ठीक है पंडित तेनालीराम, आप 3 महीने के बाद बुद्धि भरा घड़ा लेकर दरबार में हाजिर हो जाना, ठीक है, होना बोलते हैं। फिर 3 महीने बाद तेनालीराम राजा को घड़ा देते हुए, महाराज यह रहा बुद्धि का घड़ा। राजा कृष्णदेव राजा जी घड़े के अंदर देखकर चौंकते हुए, पंडित रामा ये है बुद्धि का घड़ा? उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जी महाराज ये बुद्धि का ही घड़ा है। राजा कृष्णदेव 2-3 बार घड़े के अंदर झांक कर फिर तेनालीराम की तरफ देखते हैं। घड़े में जो भी था होगा उसको देखते हुए वो उनको देखते हैं, देखते किसको देखते हैं? तेनालीराम को, ठीक है। फिर कुछ समझ जाते हैं। फिर कृष्णदेव राज बोलते हैं मुस्कुराते हुए, तेनाली हमें आपकी बुद्धि पर पूरा भरोसा है, आप यह घड़ा लेकर अकबरुद्दीन के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए, है ना। और सबके दिमाग में हलचल होती है, आखिर तेनाली ने घड़े में बुद्धि कैसे भरी होगी, ठीक है। फिर पुरोहित बोलते हैं तिलमिलाकर, जो पुरोहित जी रहते राजा के दरबार में, तिलमिलाकर बोलते, महाराज हम आपके दरबार के पुरोहित पुराने सलाहकार हैं, अतः तेनाली के साथ हमें भी बादशाह अकबरुद्दीन के दरबार में जाने का अवसर दें, ठीक है। वो बोलते मैं पुराना सलाहकार हूँ, मैं भी जाऊँगा अकबरुद्दीन के साथ में, अकबरुद्दीन के दरबार में तेनालीराम के साथ। फिर कृष्णदेव, ठीक है आप दोनों अकबरुद्दीन के राज्य के लिए प्रस्थान करें, तेनाली और पुरोहित अकबरुद्दीन के दरबार में जा पहुँचे, ठीक है। तेनालीराम अकबरुद्दीन को घड़ा देते हुए, महाराज ये रहा बुद्धि का घड़ा, ठीक है। फिर पुरोहित बीच में बोलते हुए, महाराज हम दोनों ने मिलकर इस घड़े को बुद्धि से भरा है। फिर अकबरुद्दीन घड़े के अंदर देखकर हैरानी से, इस घड़े के अंदर तो बड़ा सा तरबूज है, ठीक है। तो तेनालीराम, हाँ महाराज अब आप घड़े में से तरबूज निकालने पर देखें, बिना घड़ा फोड़े। अकबरुद्दीन क्रोध में भरकर, भला बिना घड़ा फोड़े इसमें से तरबूज कैसे निकल सकता है? महाराज जिस तरह बिना घड़ा फोड़े
घड़े में से तरबूज बाहर नहीं निकल सकता है, उसी तरह घड़े में बुद्धि भी नहीं भरी जा सकती। यही है बुद्धि का चमत्कार, है ना। वो सही बोल रहे तेलानीराम की, अगर जिस तरह बिना फोड़े तरबूज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वैसे ही बुद्धि को भी घड़े में नहीं भरा जा सकता। यही बुद्धि का चमत्कार है। फिर अक्रुद्दीन क्रोध में, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ, इसके लिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। 1 सप्ताह तक तुम दोनों बंदीगृह में रहोगे। बंदीगृह मतलब जेल खाने में, है ना। इसके बाद हम तुम्हें एक विशाल हाथी के सामने डलवा देंगे, वह तुम्हें कुचल डालेगा। यह सुनकर पुरोहित और तेनालीराम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, तुमको बंदीगृह में रखा जाएगा और एक विशाल हाथी कितने दिन के बाद, सप्ताह के बाद, ठीक है। तो चोटी, अरे तेनाली कहाँ फंसा दिया, ऐसे बोलता है चोटी उसको, हाँ। फिर पुरोहित फुसफुसाकर बोलते हैं, अरे मूर्ख तेनाली, तुमने तो घड़े में बुद्धि भरी थी, फिर ये तरबूज, तुमने तो बुद्धि भरी थी, तरबूज कहाँ से आ गया, वो उनसे पूछते हैं। फिर तेनालीराम धीरे से, पुरोहित जी शांत रहिए, कुछ सोचने का असर दीजिए, है ना। फिर अकबरुद्दीन बोलते हैं, ये तुम दोनों क्या खुसर खुसर कर रहे हो, ठीक है। फिर तेनालीराम फिर से बोलते हैं, महाराज हम चाहते हैं कि मरने से पहले हमारी आखिरी इच्छा पूरी की जाए, ठीक है। तो अकबरुद्दीन क्या बोलते हैं, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। तो तेनालीराम, हम सप्ताह भर बंदीगृह में नहीं बल्कि उसी हाथी के साथ रहना चाहते हैं जो हमें मृत्युदंड देगा। अकबरुद्दीन, क्या लगता है, मृत्यु के भय से तुम आपा खो बैठे हो जो पहले से ही मौत के मुंह में जाना चाहते हो। तो फिर दरबार में बैठे सभी दरबारी हंसने लगते हैं, क्योंकि एक ऐसी मूर्खतापूर्वक बात कर रहा है तेनाली ऐसे करके, ठीक है। फिर चोटी, तुम्हें क्या हो गया है रामा, उपाय के बदले मौत को बुला रहा है। चोटी उससे बात करता, काल्पनिक बात करता, ठीक है। फिर तेनाली और पुरोहित को ले जाकर उस हाथी के पास छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर पुरोहित, तेनाली कौन कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। फिर पहले तो हाथी दोनों को देखकर चिंघारता है, लेकिन जब तेनाली हाथी की आंख में आंख डालकर देखते हैं तो हाथी शांत हो जाता है। अब तेनाली उसकी सूंड को सहलाते हुए उसके नज़दीक जाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं, उसे नहलाते हैं, और धीरे धीरे हाथी के भोजन की जिम्मेदारी भी तेनाली अपने हाथों में ले लेते हैं। यह सब देखकर सभी लोग तेनाली पर हंसते हैं, ठीक है। फिर छोटी, रामा ये क्या कर रहा है, हमें मौत के मुंह में सुलाएगा, उसी की सेवा। फिर तेनालीराम छोटी को बोलते हैं, छोटी बंधु भरोसा रखो। फिर पुरोहित बोलते हैं, ये हैं महाराज के बुद्धिमान सलाहकार जो मृत्यु देवता की सेवा में लगे हैं। अब सब तो हंस रहे हैं ना तेनालीराम पे, है ना। फिर सप्ताह भर बाद तेनाली और पुरोहित को बड़े से मैदान में लाया जाता है। अकबरुद्दीन, सप्ताह भर तो तुमने अपने आप को हाथी से बचा लिया, पर यहाँ कैसे बचोगे। कौन बोलता है, अकबरुद्दीन बोलता है, और हुक्म देते हुए हाथी को लाया जाए, हुक्म दे रहे। तेनाली और पुरोहित को जमीन पर लिटाकर हाथी को लाया जाता है। पुरोहित थर थर काँपते हुए, देख मोर तेनाली, जिसे तूने खिला खिलाकर और बलशाली बना दिया, वो अब हमें कुचलने के लिए आ रहा है, हमें बचाओ। कौन बोलता है, पुरोहित बोलते हैं, ठीक है। तेनाली के पास आकर हाथी जैसे ही अपने आगे का एक पैर उठाया, वैसे ही चोटी, भाग तेनाली, भाग यहाँ से, हाय मैं हाय हाय ऐसे करते, ठीक है। लेकिन ये क्या, हाथी ने अपने दोनों पैरों को तेनाली के सामने हवा में
खड़ा करके सलामी दी देता है। महावत की लाख कोशिश के बाद भी हाथी तेनाली को नहीं कुचलता। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर अकरुद्दीन, असंभव, आज तक इस हाथी ने किसी को सलामी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया? फिर तेनाली राम जमीन से उठते हुए, हर समस्या का हल युद्ध या क्रोध नहीं होता है महाराज, पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं, इसका उदाहरण आपने स्वयं देख लिया है। फिर ऐसा दृश्य देखकर अकरुद्दीन सिंहासन से उठकर तेनालीराम के पास आते हैं। फिर अकरुद्दीन तेनालीराम से बोल रहे, तेनाली तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि व प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है। हमने जो बुद्धि भरा घड़ा मांगा था वो घड़ा आज तुमने हमें दे दिया। तुम दोनों दंड के नहीं पुरस्कार के हकदार हो, लेकिन एक सवाल हमें अभी भी परेशान कर रहा है कि उस घड़े के छोटे से मुंह में तुमने बड़ा सा तरबूज कैसे डाला? तो तेनालीराम, महाराज मैंने घड़े में मिट्टी डाली और उसी में तरबूज का बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद उसमें से बेल निकली, फिर तरबूज उगाया। अंत में मैंने उस बेल को बाहर निकाल दिया, है ना, बेल को बाहर निकाल दिया और उस घड़े के अंदर तरबूज है ना। फिर अकरुद्दीन, वाह तेनाली वाह, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई नहीं जीत सकता। अब अकरुद्दीन तेनाली और पुरोहित को पुरस्कार के साथ विदा करते हैं। फिर छोटी, वाह रामा, आखिर इस बार भी तुमने अपनी बुद्धि का पिटारा खोल ही दिया, ठीक है। फिर पुरोहित, तेनाली ये मत समझना कि मैं डर गया था, मैं तो नाटक कर रहा था, नाटक। आप लोग इससे अच्छा बेटा, आप लोग जब तेनालीराम वाला जो आता है ना सीरियल, उसको ज़रूर देखना, आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें संदेश क्या मिलती है बेटा, बुद्धि से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं व प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है, ठीक है बेटा। ये आप लोग के पाठ 11 बुद्धि का चमत्कार है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे।